जनपद पंचायत नईगढ़ी के जनपद सभागार में समितियों के गठन के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मुख्य रूप से निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नईगढ़ी शैलेन्द्र पांडे एवं तहसीलदार प्रवीण पाटीदार सहित एसडीएम नईगढ़ी मऊगंज एपी द्विवेदी निर्वाचन अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। वहीं जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी द्वारा समिति गठित कर प्रस्ताव पेश किया गया और प्रस्ताव बहुमत सिद्ध करते हुए 17-8 से पारित हुआ। जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी द्वारा 5 सदस्य टीम गठित किया गया था, जिसको लेकर विरोधियों द्वारा निर्वाचन अधिकारियों पर 7 सदस्यीय टीम बनाने के लिए विरोधियों का दबाव बनाया जा रहा था, जो अध्यक्ष के विशेषाधिकार का हनन है। महिला अध्यक्ष होने के कारण विरोधियों को नहीं पच पा रहा है। वहीं ममता कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि अगर महिला के विशेषाधिकार के किया जाता है, जो लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो ममता कुंज बिहारी तिवारी लोकतंत्र की हत्या बचाने के लिए जनपद प्रांगण नईगढ़ी में आत्मदाह कर हत्या कर लेंगे। आइए सुनाते हैं सभागार में उपस्थित लोगों ने क्या कहा है। जनपद में समिति गठन का कार्य चल रहा था, अभी क्या परेशानी हो रही है, किस बातों को लेकर दिक्कत जा रही है? ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि मिनिमम 5 सदस्यीय समिति होनी चाहिए। उसका नईगढ़ी अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंज बिहारी तिवारी, जो हमारी धर्मपत्नी है, उन्होंने 5 सदस्यीय समिति का संकल्प पत्र पारित किया था बहुमत से, और आज 17-8 के बहुमत से उन्होंने अपनी समिति का जो प्रस्ताव है एसडीएम के सामने पेश किया, और जिसको उनको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के दबाव में वो बोलते हैं कि विपक्ष के दो दो लोग जोड़ो, जबकि मऊगंज में, हनुमना में, पूरे रीवा जिला और प्रदेश में 5 सदस्यीय समिति का चुनाव हुआ। जब संकल्प पत्र ही 5 सदस्यीय का है, फिर अध्यक्ष का विशेषाधिकार है तो किसको रखता है किसको नहीं? क्या भाजपा का मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायक दबाव देंगे कि हमको मंत्री बनाओ तो बना देगा? यहाँ पे सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक महिला अध्यक्ष बनी है जिससे वो पच नहीं पा रहा है, और अगर न्याय नहीं मिलता तो अभी ममता कुंज बिहारी तिवारी और मुकुंज बिहारी तिवारी दोनों पेट्रोल डाल के इसी जनपद प्रांगण में आत्मदाह करेंगे, जिससे भविष्य में इनकी लोकतंत्र की हत्या करने की जरूरत न पड़े। और ये शर्मसार करने वाला निर्णय था एक महिला जनपद अध्यक्ष को, उसके प्रस्ताव और संकल्प के खिलाफ उस पर दबाव बनाया गया कि विपक्ष के 2 सदस्यों को जोड़ो, जिससे महिला जनपद अध्यक्ष जो है, जो जनहित के लिए ईमानदार सदस्यों को अपनी समिति में रख रही थी, जो जनता का हित करें, जो भ्रष्टाचार रोके, उसकी समिति न बनने पाए, इसलिए विपक्ष के 2-2 सदस्यों को जबरदस्ती एसडीएम साहब ने और नईगढ़ी जनपद सीओ ने उसको दबाव दिया कि 2-2 सदस्य जोड़ो, नहीं चुनाव होगा। और जब संकल्प पारित 5 सदस्यीय का है, इन्होंने किस अधिकार के साथ, किस कानून के साथ कह दिया कि आप 2 सदस्य और बढ़ाओ? अभी क्या समिति का अभी काम चालू? अभी काम रुका हुआ है, अभी पूरे सदस्य बहिर्गमन करेंगे, और उच्च अधिकारी, कलेक्टर और कमिश्नर और चुनाव आयोग और पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग देख लें कि किस तरह से यहाँ तानाशाही है, किस तरह से एक महिला का अध्यक्ष होना या और एक ब्राह्मण महिला का अध्यक्ष होना यहाँ नहीं पच पा रहा है, जो सामंतवादी सोच से ग्रसित लोग हैं। जब बायलाज में दिखा देंगे, अगर संकल्प अध्यक्ष ने 5 सदस्य पारित किया है तो उसमें 7 कैसे हो जाएगा, ये दिखा दे कलेक्टर और कमिश्नर आके दिखा दे। क्या दिक्कत आ रही है? अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो चर्चा चल रही, नियम प्रक्रिया है, किसी को मालूम नहीं रहता, तो अभी तो हम नियम को क्या है, कैसे प्रावधान है, लोगों को कापियां दिए हैं। जनपद अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि समिति में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, और इस पर आप लोग 5 लोगों का संकल्प पारित किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसडीएम और तहसीलदार महोदय ने 7 लोगों को करने का बाध्यता। नहीं, कोई बाध्यता नहीं की जा रही, ना मैंने कोई ऐसा कहा है कि 7 लोग करें, कि 5 लोग जो भी वो जनपद संकल्प पारित करती है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, वो आख्यान करके बताया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग निर्वाचन की प्रक्रिया।